का पद सिर्फ अनुसूचित जनजाति ही हो सकता है। भारत का आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग जिला कार्यालय पहुंच जाएंगे तो आप लोग कहां जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साइड दे दो भाई, साइड साइड करा लो। पूरा सरगुजा संभाग संविधान के पांचवी अनुसूची में शामिल क्षेत्र है, जहां पर सर यहां के रूढ़ी को, यहां के परंपरा को, कानून का विधि का बल प्राप्त। लेकिन यहां के जो माननीय न्यायालय है, यहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये जो है पूरे नियमों को साथ में रखते हैं। जितने भी आदिवासी देवालय हैं, आदिवासियों के जो धर्म स्थल है वहां पर धर्म डकैती करते हैं, वहां पर ये अपने पंडित पुजारी बैठाते हैं और वहां की पूजा को वैदिक परंपरा से करते हैं। तो यहाँ पर आदिवासियों की जो परंपरा रही वो खतरे में आ रही है। इसको देखते हुए सभी आदिवासी समाज, सब आदिवासी समाज, जितने भी समाज यहाँ पर आदिवासी मूल निवासी हैं, उनके तत्वाधान में जो है आज विरोध किया गया है कि साहब विधि के विरुद्ध जाके कोई काम न करें, जिससे हमारे आस्था को, हमारे देश स्थल को ठेस। यदि इस पर कार्यवाही नहीं होती तो मैंने उसमें डेट निर्धारित किया कि आज से 15 दिन बाद पूरे संभाग के एक एक ब्लॉक पर माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। और 2016 में जिस तरह का आंदोलन हम लोगों ने बैकुंठपुर में किया था, एक साथ सभी थानों का, पूरे जिले के थानों का अपने अपने क्षेत्रों में एक बड़ा विरोध करेंगे, घेराव करेंगे, सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। महामहिम राज्यपाल के लिए ज्ञापन दिया गया है जिसमें ये बच्चों की मान्यता को लेकर इन्होंने इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ज्ञापन लाया है संज्ञान में, उच्च अधिकारी को संज्ञान कराया जाएगा जैसे जानकारी। इनका मांग है लंबे समय से वहाँ इसके बारे में तो बात पे जाने का पता चलेगा। जनमंत्र निष्पक्ष निर्भीक।